राजमा चावल और छोले कुलचे खाए जाए। तो मेरे कज़न मेरे साथ हैं सारे, देख सकते हैं इन सबको काफ़ी तेज़ भूख लग रही है और हमने ऑर्डर कर दिए हैं छोले कुलचे और राजमा चावल। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग आज क्या खा रहे हैं। ये है पहाड़ी भोजनालय जहाँ पे छोले कुलचे, राजमा चावल, कढ़ी चावल और बूंदी का रायता, ये स्टॉल लगा हुआ है कि ये सब यहाँ पर मिलता है। ये देखिए हमारा राजमा चावल, ये कौन रहा? आ गया है। दो हमने राजमा चावल ऑर्डर किए हैं। इनको इतनी तेज़ भूख लगी है कि ये वेट नहीं कर रही है हमारा कि हम लोग भी छोले कुलचे खा सके। इनसे रहा नहीं जा रहा बिल्कुल भी। थोड़ा तो वेट कर ले रिशु, कितनी तेज़ भूख लगी है। एक हमारा भाई है, देखो भूख बहुत तेज लगी है लेकिन फिर भी नहीं खा रहा है, वो वेट कर रहा है। ये देखिए हमारा छोले कुलचे भी आ गए हैं। ये एक और छोले कुलचे आए हैं। अब बस मेरा छोला कुलचा आना बाकी रह गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कुलचे हो रहे हैं गरम। इस तरह से ये इसको गरम करते हैं और ये भैया निकाल रहे हैं राजमा चावल। यहाँ पे ज़्यादातर यही फूड खाने को मिलता है। आप जितने भी स्टॉल देख लो वहाँ पे राजमा चावल, छोले कुलचे और ये छोले कुलचे हो गए और छोले चावल या कढ़ी चावल खाने को मिलता है। तो हमने सोचा हम लोग 5 लोग हैं तो क्यों ना हम छोले कुलचे भी ट्राई करें और राजमा चावल भी ट्राई करें। तो इस टाइम हमारे छोले कुलचे हो रहे हैं रेडी। ये ऐसे इसको सेक रहे हैं, देखते हैं टेस्ट में कैसे होंगे। आई होप हम सभी को ये पसंद आए। तो हम लोग करते हैं अपने छोले कुलचे, राजमा चावल को टेस्ट और फिर बताएंगे कि ये कैसे बने हैं। खाते हैं। ये मेरी प्लेट भी आ गई, ये मैं। फ्रेंड्स, इस प्लेट में इन्होंने 2 कुलचे डाले हैं, थोड़ा सा प्याज डाल रखा है, ये छोले हैं और साथ में ये अचार दे रखा है हरी मिर्च का है और ये शायद मूली है जो इन्होंने हमको प्रोवाइड करा। तो इसको खाते हैं हम और फिर बताते हैं कि कैसे बने हैं। काफ़ी गर्म है। आओ, ये देखो। भाई मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ।
सो हमने अपने छोले कुलचे और राजमा चावल खा लिया है और दोनों चीज़ें खाने में टेस्ट अच्छा था। तो इस टाइम वैसे भी भूख लगी थी तो ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, तो सब लोगों ने फटाफट खा लिया। अब बिल पे करते हैं। छोले कुलचे और राजमा चावल की प्लेट, एक प्लेट थी 50 रुपए की, तो हम लोगों ने 5 जनों ने 250 रुपए में खाया टेस्टी खाना। अब हम लोग आगे चल के पानी पूरी खाएंगे क्योंकि मेरी सिस्टर का मन कर रहा है पानी पूरी खाने का, तो पानी पूरी वाले को ढूंढते हैं, फिर हम लोग पानी पूरी खाएंगे। A few moments later. कज़न लोग बस में बैठ के कालसी के लिए निकल गए और हम लोग ई रिक्शा में बैठे हैं और हम लोग जा रहे हैं अपने घर के लिए। इस टाइम पे काफ़ी तेज़ वाली बारिश हो रही है और हम लोगों के पास छाता भी नहीं है, पता नहीं हम लोग ये अब कैसे मैनेज करेंगे। A few moments later. हम लोग ई रिक्शा से उतर गए हैं और घर के लिए जा रहे हैं पैदल, साथ में हो रही है बारिश भी, पता नहीं घर तक हम कब तक पहुंचेंगे। अभी तो हल्की हल्की बारिश हो रही है, लग रहा है किसी की छपरी के नीचे रुकना पड़ेगा हम लोगों को, तो देखते हैं अभी हल्की है तो चल रहे हैं हम लोग। फ्रेंड्स बारिश हो गई तेज़, तो हम लोग यहाँ पे रास्ते में एक मंदिर है शिव जी का मंदिर, तो वहाँ पे हम लोग रुके हैं और मैंने घर पे कॉल किया है कि हम लोगों को लेने के लिए आए क्योंकि तेज़ पानी बरस रहा है, तो देखते हैं कितनी देर में हम लोग घर पहुँचते हैं। सो फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं घर भीगते हुए, हमें हमारे पापा लेने के लिए आए थे। उस साइड को काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी तो हम पूरी तरह से भीग गए हैं, ये देख सकते हो चश्मे की हालत कैसी हो रखी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बारिश तो हो ही रही है, साथ में धूप भी निकली हुई है। तो मैं इस वीडियो को करती हूँ यहीं पे एंड। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और हाँ फ्रेंड्स मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सो बाय बाय।